चिडी एलर्नर्स वेलकम इन दिस वीडियो एंड दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ बीग entrepreneur यानी आप इतने खुश ना हों कि आपको flexible schedule मिलेगा कोई आपका बॉस नहीं होगा आप अपनी आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में होगी और आप अपने मनपसंद लोगों के साथ काम करेंगे फैसनेट ज़रूर करता है कि आप ऑनटरप्र्यूर बनने को जा रहे हैं या अपना बिजनेस अपनी फर्म क्रिएट करने को जा रहे हैं बट ये इतना भी आसान नहीं है सो so, हम बात करेंगे द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग और फिर से भी पूछेंगे कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है जब वो ऑनटरप्रोरशिप में आए सबसे पहला ड्रॉबैक इनकम ये नौकरी नहीं है कि महीने के शुरू के अंदर आपको एक लगी बंदी अमाउंट मिल जाएगी और आप आराम से आसानी से अपने बिल पे कर देंगे या अपने जिंदगी के बाकी मामला जो हैं उसको हैंडल कर लेंगे इनकम हमेशा बिजनेसमैन की बड़ी अनसर्टन होती है स्पेशली आप में से वो साथी जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं आप उनसे जाके पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि कभी किसी एक महीने के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा हैं और किसी एक महीने के अंदर सेल्स बहुत लो हैं सो इनकम बड़ी अनसर्टन रहती है ड्रॉबैक नंबर टू रिस्क ऑफ लूजिंग योर इंटायर इन्वेस्टमेंट बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें ऑन्टरप्रनर आपको बताएंगे कि उन्होंने मुख्तलिफ तरह के कारोबार तीन चार दफ़ा शुरू किए और फिर उसके बाद उन उन्होंने अपने तमाम के तमाम पैसे डबो दिए सो यू मे यू नो लूज़ योर इंटायर इन्वेस्टमेंट इतना भी आसान नहीं है ऑनटरपेन्योर बनना ड्रॉबैक नंबर थ्री लॉन्ग आर्स एंड हार्ड वर्क लोग खुश तो बहुत होते हैं कि हम ऑन्टरप्रियोर हैं हमारा कोई बॉस नहीं है हमने नौ से पाँच की नौकरी नहीं करनी बट बी केयरफुल आपको बहुत लंबे आर्ट्स तक काम करना पड़ता है बिकॉज़ आपके पास आपका बिज़नेस ही होता है जो आपको इंगेज किए रखता है हर वक्त यहाँ तो आपका टेलीफोन बज रहा होगा या आपकी टीम आपको किसी ना किसी वक्त में कॉल कर रही होगी या आप रातों को बैठ कर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हर वक्त डिज़ाइन कर रहे होंगे सो इसलिए ये जॉब नाइन टू नन की है यानी आपने जब तो बिज़नेस का आगाज़ किया है तो यहाँ दिन का आगाज़ किया है तो फिर उसके बाद आपका दिन कब ख़त्म होता है ये बिज़नेस की एक्टिविटी ही डिसाइड करती है ड्रॉबैक नंबर four लोअर क्वालिटी ऑफ life until द बिजनेस गेट established हम जिस भी ऑन्टरप्रन्यर को देख रहे होते हैं हम उसको तब सुन रहे होते हैं जब वो अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर चुका होता है जब उसका बिजनेस ग्रो कर चुका होता है जब वो एक कारो कामयाब इंसान बन चुका होता है उससे पहले वो कितना हैंड टू माउथ था किस तरह उसकी इन्वेस्टमेंट बार बार डूब रही थी कितनी दफ़ा वो रात को भूखा सोया ये हम नहीं जानते हैं सो so, स्पेशली अगर आप एक ऐसे ऑन्टपन्योर हैं जिसके पास अभी फाइनेशल जो रिसोर्स हैं यानी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लिमिटेड है तो जब तक आपका कारोबार कामयाब नहीं हो जाता तब तक आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत हद तक सफ़र करती है ड्रॉबैक नंबर फाइव हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस आपका अपना बिजनेस है आप ही की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है प्रोडक्ट भी आपकी डिज़ाइन की हुई है बिजनेस मॉडल भी आपका डिज़ाइन किया हुआ है और उसकी किस्मत का फैसला आपके क्लाइंट या आपके कंज्यूमर ने करना है सो so ऑब्वियसली आप जब भी मार्केट में जा रहे होंगे ये सारा स्ट्रेस आपने अकेले हैंडल करना है ड्रॉबैक नंबर सिक्स यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन जॉब होल्डर्स के लिए तो बहुत आसान है आप अपने किसी कॉलिग के ऊपर ब्लेम डाल दें कि उसने काम नहीं किया आप अपने बॉस के ऊपर ब्लेम डाल दें कि वो ज़्यादा जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को इनक्रेज नहीं करता या आप ट्रैफिक के ऊपर ब्लेम डाल दें कि आप काम से लेट हो जाते हैं बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है बट यू आर वैन यू आर डूइंग योर ओन बिज़नेस आप किस को क्लेम करेंगे बिकॉज़ आप ख़ुद बॉस हैं सो so इसीलिए बिजनेस में अगर बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है दोनों सूरतों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी सक्सेस भी आपकी ब्लेम भी आपका ड्रॉबैक नंबर सेवन इनिशियल फेलियर्स एंड डिसक्रेजमेंट हमने एक रिसर्च की और रिसर्च में वो तमाम के तमाम यंगस्टर्स जो अभी ऑन्टरपन्यर्स बन रहे थे उनके पास आइडियाज़ था वो किसी न किसी इंक्यूबेशन सेंटर्स में जा रहे थे हमने उनसे एक सवाल किया कि सबसे ज़्यादा प्रेशर वो कहाँ से ले रहे होते हैं तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रेशर तो उनको उनके घर वाले ही दे रहे होते हैं कि जैसे ही हमारी डिग्री कम्प्लीट होती है सारे घर वाले हमारे पीछे लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी ढूँढो और उसके बाद अपना काम का आगाज कर दो बट हम ऑन्टरपन्योर बनना चाहते हैं इतना आसान नहीं है इस करियर को चूज करना बिकॉज बहुत से लोग आपको डिस्करेज कर रहे होंगे मार्केट ट्रेंड्स आपको डिस्करेज कर रहे होंगे इंडस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए आपको डिस्करेज कर रहे होंगे कि आप ऑनटरपन्योर ना बने जाएं और नौकरी करें ड्रॉबैक नंबर एट मल्टी टास्केंग आप अपना कारोबार करने लगे हैं आप ऑनटरप्रन्योर बनने लगे हैं आपको अच्छा मैनेजर भी होना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल uh, एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा आपको मार्केटर भी होना पड़ेगा हो सकता है आपको इन्वेंटर और इनोवेटर भी बनना पड़े आपको सब कुछ करना पड़ेगा बहुत से ऑन्टप्रोर आप देखेंगे कि वो अपने uh, कारोबार के अंदर इवन सामान मजदूरों के साथ uh, उठा उठा के रख रहे होते हैं इफ़ यू आर एन ऑनटरप्रन्योर आपको बहुत ज़्यादा मल्टी करनी पड़ेगी ड्रॉबैक नंबर फैमिली एंड सोशल रिस्क ऑब्वियसली आप रिस्क ले रहे हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं आप अपना टाइम लगा रहे हैं और उसके बावजूद आप अनसर्टन हैं कि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस आपका कंज्यूमर या क्लाइंट परचेस करेगा या नहीं करेगा ऑन दी अदर हैंड यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर ऑब्वियसली उनके अपने खर्चे हैं सो so, इसीलिए बाजुकात आपको फैमिली और अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ड्रॉबैक नंबर टेन सेक्रीफाइसिंग पर्सनल कैपिटल और डेट बर्डन अगर तो आपने अपना कारोबार अपनी इन्वेस्टमेंट से किया है तो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है अगर आपने अपना कारोबार किसी से पैसे पकड़ के किया है तो डेट इट एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है ड्रॉबैक नंबर इलेवन बीटिंग ऑन क्रूशल डेड बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी कोई डेडलाइन ही नहीं है वेयर एज इट इज़ नॉट ट्रू अगर आप अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इससे पहले कि कोई और उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके मार्केट में ले आए आपने मार्केट के अंदर जाना है सिमिलरली अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन टाइम चाहिए अगर आपने किसी इन्वेस्टर को इन्वॉल्व किया हुआ है तो उसको अपना रिटर्न ऑन टाइम चाहिए सो so, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होगी बल्कि डेडलाइन ज़्यादा क्रूशल हो जाती हैं ड्रॉबैक नंबर ट्वेल्व मार्केट हैज़ इट्स ओन ट्रेंड एंड बिहेवियर बाजुकात आपका आइडिया बहुत अच्छा होता है बाजुकात आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होता है आपने प्राइसिंग बहुत अच्छी की होती है और आपने तमाम तरह की रिसर्च की होती है कि जिसमें आपने सिक्योर किया होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपने रिस्क को लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट हैज इट्स ओन ट्रेंड मार्केट हैज इट्स ओन बिहेवियर कंज्यूमर्स के अपने बिहेवियर्स होते हैं सो सक्सेस रेशियो क्या होगा आपके बिज़नेस का आप ख़ुद डिटर्मिन नहीं कर सकते इन तमाम ड्रॉबैक्स को डिस्कस करने का पर्पस ये नहीं है कि आपको डिस्करेज किया जाए पर्पस ये है कि जहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में आप जानते हैं कि एक ऑनटरपेन्योर बनने के क्या बेनिफिट हैं वहाँ पर आप ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानें कि ड्रॉबैक्स क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं इसे करियर के अंदर चलिए आप जाते हैं अपनी ऑनटरपन्योर की टीम के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका प्रस्पेक्टिव क्या है इंटरेस्टिंगली uh, uh, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा मज़े का काम है एन बींगर और बल्कि मैं समझती हूँ कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जॉब होती है बिकॉज आप समझ रहे होते हो कि इट्स अ नाइन टू फाइव बट एंटरप्रेन्योर uh, पे आप ज़्यादा इंजॉय करते हो और uh, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो बिकॉज इट्स नॉट अ नाइन टू फाइव जॉब इट्स आई मीन इट्स ट्वेंटी फोर सेवन यू आर दैर और आप uh, ज़्यादा उसको चीज़ों को आपके पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं ज़्यादा फोरम्स हो जाते हैं वे यू कैन प्ले ट्वेंटी फोर सेवन डिफरेंट टाइमिंग जैसे आपको आपको खुद ही एज ए बींग अ बॉस आपको अपनी डेडलाइंस खुद आ, देनी होती हैं आपको नेटवर्किंग खुद करनी होती है तो आई थिंक ये एक बड़ा इंजॉयबल काम भी होता है आई मीन आई एंजॉय एज एन ऑन्टरप्रिन कि आप बॉस भी हो बट देन यू प्ले योर सेल्फ ऑन द डेड और आपको ही पता है कि आपने कैसे इन चीज़ों को डिवेलप करना है आई I मीन mean, आपको अपनी सारी पर्सनल ऑन्टप्रिनोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखना होता है कहाँ से किस तरीके से लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स होती हैं तो आई थिंक आप इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं जो हम शायद जॉब में नाइन टू फाइव में नहीं सीखते क्योंकि जब हम अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं तो हम बहुत जो एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे होते हैं हम सिर्फ स्पेसिफिकली उसी को फोकस कर रहे होते हैं बट एज एन ऑनटरप्रेनोर जैसे मैंने कहा कि इट्स अ विजन इट्स अ कम्प्लीटली विजन और आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है तो आई थिंक बीग एन ऑनटरप्रेन्योर जब हम ऑनटरप्रेनोर बनते हैं या हम डिसाइड करते हैं टू बी एन ऑनटरप्रेनोर तो हमें अपने पास Uh, एक विजन को लेकर जाना है और वो विजन ये है कि हमें अपने आप को उन सब एरियाज़ में प्ले करना है वट एवर द थिंग्स आर वेदर इट्स मार्केटिंग इट्स ब्रांडिंग इट्स सेल्स इट्स एज अ बॉस वॉर एवर यू आर डूइंग इट तो आई थिंक जब आप अपने अंदर ये एक पोटेंशियल uh, बना लेते हैं कि जी ये सब कुछ मुझे करना है तो आई एम श्योर यू वुड स्टार्ट इन्जॉइंग एंड लविंग टू बी एनआर एंट्रपनोर की ज़िंदगी जो है वो जॉब की तरह नहीं होती है वो सुबह नौ से लेकर पाँच बजे तक नहीं होती है कि इसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगा एंटरपनोर जो है वो जब सुबह सोता है या रात को सोता है तो एंट्रपनोर होता है और सुबह जब उठता है तो एंट्रपनोर होता है हुक्म ये है हमारी फिका का हिस्सा है ये कि जब आप सुबह की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद आपको सोने की ममानियत है और कहा हुक्म है कि आप दुनिया में फैल जाओ अपना रिस्क हासिल करने के लिए पर दुनिया में फैलने का मतलब यही है कि फिर आप अपने अपने काम शुरू करो जो हमारे रसूल का जो प्रोफेशन था वो ट्रेडिंग था और इसलिए ये एक बहुत ही बाइज़त प्रोफेशन है जिसको कि हमारे पैगंबरों ने भी अपनाया और ये वो प्रोफेशन है जिससे कि सोसाइटियाँ पनपती हैं और ख़ुशहाल होती हैं जहाँ तक आपका आपने जो बात की कि इसको भी एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो इस मेरे नज़ीक तो दिस इज़ द ऑप्शन अगर अगर इस ऑप्शन पे आप काम ना कर सकें तो फिर आपको जॉब हासिल करना चाहिए